मैं खुशी हूँ आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। किसके नाम से जाना जाएगा बिग बॉस 16? चलिए आप लोगों को बताते हैं, कुछ चीजें बताती हैं और पिछले सीजन की भी कुछ यादें आपके साथ याद करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर सीजन आता है और जो भी सीजन आता है और जब ये सीजन खत्म होता है तब एक या दो नाम या उससे ज्यादा नाम कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उस सीजन को हमेशा याद रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिग बॉस 13 की, बिग बॉस 13 जो है काफी सारे कंटेस्टेंट की वजह से जाना जाता है। बिग बॉस 13 सबसे ज्यादा जाना जाता है सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से। सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, सिदनाज, आसिम रियाज, पारस, माहिरा, इन लोगों की वजह से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से जाना जाता है। उस दौरान ही काफी सारे हैशटैग्स, टैग्स जो है वो ट्रेंड होते हैं, जो कि काफी मिलियंस मिलियंस जो है वो जाते हैं। उनको काउंट करके जो है लास्ट में पता चलता है कि आखिरकार सबसे ज्यादा चर्चा इस सीजन में किसकी हुई है। अगर मैं बात करूं बिग बॉस 14 की, बिग बॉस 14 जो है जब भी आता है तब रुबीना दिले का नाम डेफिनेटली आता है। रुबीना दिले की वजह से उस सीजन को जाना जाता है। और बिग बॉस 15 की अगर मैं बात करूं तो उमर रियाज की वजह से सबसे ज्यादा उस सीजन को जाना जाता है। उमर रियाज हालांकि ट्रॉफी के विजेता तो नहीं बने पर लोगों के दिल जो है लोगों ने उमर रियाज के हाथ में रख दिया कि भाई यही है हमारा पब्लिक विनर। और काफी नाइंसाफी के बाद जो है बिग बॉस ने उमर रियाज को घर से बेघर कर दिया, जिसके बाद लोगों का दिल और ज्यादा पसीज गया और बिग बॉस 15 के विजेता पब्लिक विनर जो है उमर रियाज बन गए। अब बारी आई है बिग बॉस 16 की। बिग बॉस 16 किसकी वजह से जाना चाहेगा, किसके नाम की वजह से जाना चाहेगा, चलिए आप लोगों को बताते हैं। डे वन से अब तक काफी सारे टैग्स, हैशटैग्स जो है वो चले और काफी ज्यादा मिलियंस गए, कुछ ऐसे भी गए जो कि लाखों में गए। उनको काउंट करके अभी लिस्ट सामने आई है। तो अभी इस वक्त 7 लोग घर में हैं, हालांकि सुम्बुल तौकीर खान की एविक्शन हो चुकी है बट फिर भी जो है अभी तक एपिसोड सामने नहीं आया है। सुम्बुल का भी अभी एक टैग चल रहा है वेलकम होम और ऑडियंस विनर सुम्बुल। प्रियंका का भी अभी जो है एक टैग चल रहा है राइजिंग विनर प्रियंका, उसका चल रहा है जो कि मिलियंस मिलियंस में जा रहा है। हो सकता है कि जो दूसरे कंटेस्टेंट अभी तक नीचे है वो कहीं ना कहीं आगे भी पहुंच सकते हैं जब ये टैग्स की काउंटिंग होगी। पर अब तक जो पिछले टैग्स है उसकी काउंटिंग सामने आ चुकी है। तो 7वें नंबर से स्टार्ट करते हैं शालिन भनोट 1,30,000 पर, अर्चना गौतम 2,50,000 पर, निमृत कौर आलोवालिया 5,00,000, एमसी स्टैन 1.8 मिलियन। तीसरे नंबर पे सुम्बुल तौकीर खान, यहां पर एक ट्विस्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ, 2 मिलियन है इनके। तो सोचिए एमसी स्टैन सुम्बुल से भी नीचे है। सुम्बुल के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हुई है, एमसी स्टैन से भी ज्यादा चर्चा हुई है बट सुम्बुल को फिर भी कम वोट मिली है ऐसा बोला जा रहा है और सुम्बुल को जो है निकाल दिया गया है। हालांकि सुम्बुल जो है इस वक्त भी निकलने के लिए डिजर्व नहीं करती थी, वो फिनाले जाना डिजर्व करती थी। जिस तरीके की उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके का जनता उनको प्यार करती है, उनके नेचर को बहुत ज्यादा सराहती है, फिर भी जो है जो भी है लिस्ट वो तो आप लोग को बतानी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर है सुम्बुल तौकीर खान 2 मिलियन के साथ और शिव ठाकरे दूसरे नंबर पे 4.1 मिलियन और पहले नंबर पे अभी रिसेंटली एक टैग हुआ था जो कि 5 मिलियन से भी 5 मिलियन तक जो है वो गया था। सब काउंट करके प्रियंका चहर चौधरी है पहले नंबर पे 5 मिलियन। तो अगर मैं देखूं तो भाई प्रियंका, शिव, सुम्बुल और एमसी स्टैन की वजह से बिग बॉस 16 को हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि आप लोग मुझे बताइए कि आप जब भी बिग बॉस 16 की बात करेंगे तब बिग बॉस 16 उसके बाद प्रियंका का नाम आएगा या सुम्बुल का या शिव का या एमसी स्टैन का, बताइए जरूर अपने विचार। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।